आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफसेट का फॉर्मूला, और ऑफसेट के फॉर्मूले के ऊपर जो बटन्स का यूज होता है, उन बटन का इस्तेमाल से हम क्या करेंगे। चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास जो डेवलपर टैब है, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो एक्सेल ऑप्शन से जाके डेवलपर टैब एक्टिव कर लीजिए। तो डेवलपर टैब में आपके सामने दिखता है ये फॉर्म कंट्रोल बटन्स। अब चलिए फॉर्म कंट्रोल बटन्स का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग ड्रॉप डाउन बटन की बात करें, जैसे मैं इससे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ, इस नेम का हमने लिस्ट बना लिया। ये हमारा लिस्ट है। अब मुझे इसमें क्या करना है, इंसर्ट करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि हमें एक ऐसा करना है कि सिलेक्ट नहीं, तो हम लोग जनरली इसके लिए डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, और इसमें हम लिस्ट को लेते हैं और फिर इसको सिलेक्ट। लेकिन ये तो सेल के अंदर हो जाता है, हमें ऐसे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं। पहला यहाँ पे आपका है कि आप डेवलपर में जाए और यहाँ से जो कॉम्बो बॉक्स है इसको ले और इसको ड्रैग। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाए और फिर आप रेंज को या इनपुट रेंज में रेंज को ले लें। और तीसरा है कि आप नीचे एक्टिव कंट्रोल जो होता है उसको लें और फिर उसको ड्रैग कर दें। अब इसके अंदर लिस्ट कैसे आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आप आएंगे, तो प्रॉपर्टी में आपको आपको यहां पर रो सोर्स दिखेगा। जो सोच रही है इसमें लिस्ट जो है, बिल्ट है, टेक्स्ट है। ये कौन तो होता है यूजर फॉर्म में होता है, इसके लिए फिर आपको वीवी का यूज करना पड़ेगा। एम्बेड है, ऑटो लोड, फॉल्स, मेन मेम्बर, हाइट, लेफ्ट, लिंक सेल। हाँ, यहाँ लिंक्ड सेल जो होगा वहाँ लेना पड़ेगा। रो सोर्स यूजर फॉर्म में होता है, और यहाँ भी आप अपना रेफरेंस यहाँ से जाकर लिखना पड़ेगा, लिंक्ड सेल में। हाँ, C1 हमने रेफरेंस में दे दिया, A2 से
प्रेफरेंस देना जरूरी नहीं है इसमें। आपका लिंक हो गया। तो तीन तरीके हमने किया आपने। एक तो हमारा डेटा वैलिडेशन था जिसकी मदद से हमने यहाँ पे किया, दूसरा था हमारा फॉर्म कंट्रोल, और तीसरा है हमारा एक्टिव कंट्रोल। यहाँ पे आपका लिंक शेयर आ जाता है। यहाँ पे रो सोर्स आता था, नहीं तो इसके लिए वीवीए कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये राइट क्लिक व्यू कोड के जरिए। कॉमा बॉक्स पर और यहां पे हमें देना पड़ेगा प्लीज, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि यहाँ डेटा वैलिडेशन से आपने इजीली सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने ए सिलेक्ट किया, और तीसरा जो आपका एक्टिवेस कंट्रोल है उसमें आपको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी बगैर वीवीए का। कोई आप, मैं जस्ट सर्च कर रहा था कि बगैर वीवीए का भी हो सकता है इसमें डेटा लाइन, लेकिन नहीं, इसमें बगैर वीवीए हमारा डेटा लोड नहीं हो सकता, वीवीए तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहाँ पे तो हो गया, लेकिन यहाँ से तो चलो वैल्यू सर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए इसके बिहाफ पे कोई वैल्यू चाहिए होगा, कि मान लो हमने उदय सेलेक्ट कर लिया, तो कैसे फॉर्मूला को पता चलेगा कि उदय सेलेक्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल पे जाते हैं और लिंक सेल पे जाके हम एक सेल को लिंक कर देते हैं। तो क्या होता है, इसका जो रेफरेंस नंबर है वो नंबर हमें यहाँ पे शो कर देता है। ये तो कोई इसकी बात, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए इसका एक बेनिफिट आपको मैं समझाता हूँ। जैसे नेम, हमने कुछ सेल्स का डेटा यहाँ पे बना देता हूँ और मैं जैन कर देता हूँ, एक छोटा सा डेटा बना देता हूँ। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे 1 देता हूँ और यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूँ। ऑफसेट A1 कॉमा बोला रो 1 0, तो ये नाम आ गया।
अब मैं इसको जो हमारा A13 है इसको फ्रीज करता हूँ और इसको चारों तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 लिखा तो दूसरा आ गया, 3 लिखा तो तीसरा आ गया। अब इसके ऊपर आप चाहो तो कोई चार्ट या कोई विजुअलाइजेशन को लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पे पूजा का आता है, 2 करता हूँ तो कविता का, नीरज का आता है, 3 पे कविता का आता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से करना चाहूँ तो हम डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स, और हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट कंट्रोल, और इनपुट रेंज में हम इसको डाल दें ताकि वो लिस्ट में हमारा आए। और दूसरा कि इफेक्ट कैसे हो, तो जैसे मैं बताया आपको C1 पे कि हम यहाँ जो भी सिलेक्ट करते हैं उसका लिंक यहाँ पे आ जाता है, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ पूजा, तो पूजा के सीक्वेंस नंबर 1 है तो ये आपका 1 आ गया, 2 करता हूँ तो 2 आ गया, 3 करता हूँ तो 3 आ गया। सर आपको ये तो चार्ट पे ही नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? जितेंद्र जी समझ में आया आपको? सौरभ जी कोई डाउट इसमें? जी हेलो, सर, समझ में आया आपको? हेलो। समझ में आया कि नहीं सर आपके? चलिए इसका एक और सर क्लियर नहीं हो पा रहा। एग्जांपल हम आपको इसको बताते हैं, ठीक है? जैसे कि मेरे पास 2 शीट है, एक शीट में आपका डेटा 1 है और दूसरे शीट पे हमारा पास डेटा 2 है। क्या हो रहा है? और यहाँ पे हम इसी इसी डेटा को हम दूसरे शीट पे पेस्ट कर देते हैं। अब तीसरे शीट पे या C2 पे चलिए, मैं इसी के नीचे कर चाहता हूँ। सबसे पहले कि ड्रॉप डाउन बनाओ, यहाँ से मैं वापस गया और यहाँ से मैं कॉम्बो बॉक्स को लिया और इस कॉम्बो बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। और इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और इनपुट रेंज पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल लिंक में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे पूजा, तो पूजा का सीक्वेंस नंबर यहाँ आ जाएगा।
उसके बाद मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ दो रेडियो बटन। अब इसमें क्या है रेडियो बटन में कि अगर मैं यहाँ पे डेटा वन, और राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कंट्रोल में आता हूँ और इसको मैं 3D शेडिंग करके लिंक कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी वापस हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और बनाते हैं जो कि होगा डेटा टू। इससे क्या होगा कि जब मैं डेटा वन पे क्लिक करूंगा तो डेटा वन आएगा, डेटा टू पे क्लिक करूंगा तो डेटा टू का सीक्वेंस नंबर आएगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक किया तो हाँ वन दिख रहा है, इस पे क्लिक किया तो टू दिख रहा है। अब मुझे इसके बिहाफ पे इसका टोटल चाहिए, तो सबसे पहले हमें यहां पे इफ कंडीशन यहां पे देना पड़ेगा ऑफसेट फॉर्मूला की ऑफसेट, और यहां से इसको ले ले ताकि इसका नाम हमें पता चल जाए। और फिर कंडीशन दिया कि इफ अगर यूजर ने इक्वल टू वन सेलेक्ट किया है इसका मतलब वो डेटा वन पे जाना चाहता है। इफ की जगह पे मैं यहाँ पर चूज भी लगा सकता हूँ, चूज इसको सेलेक्ट किया अगर वन है तो यहाँ पे हमने बोल दिया डेटा वन, और यहाँ पे टू है तो हमने बोल दिया डेटा, सॉरी इसमें मैंने इन्वर्टर कमांड लगाया, लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीरज सेलेक्ट करूँ तो नीरज और डेटा डेटा वन करता हूँ डेटा वन। अब इसमें यहाँ पे उनका टोटल आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया कि सम इफ्स और डेटा वन में जाएगा इसका सम करेगा। पहली क्राइटेरिया हमने ये दे दिया कि इसकी क्राइटेरिया है जो कि हमारे शीट में नेम है, ये हम सम इफ्स भी लगा सकते हैं क्योंकि एक ही कंडीशन है ना सम इफ। यहां पे गया रेंज और हमारा क्राइटेरिया हो गया नीरज और सम रेंज हो गया हमारा बीपी। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे तो वर्क कर रहा है और नीरज की जगह मोहन को करूंगा, लेकिन डेटा वन टू इससे कोई लिंक नहीं हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आपका डेटा वन है मैं चाहता हूँ इससे लिंक करना, तो इसके लिए हमने क्या किया कि बाकी रेंज को हमने इन्वर्टर कॉमा में रख दिया और इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ कोलकाता डेट का लगा दिया, लेकिन फिर भी ये आपका किस में है टेक्स्ट में है जिसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला के जरिए कन्वर्ट करना होगा रेंज में, तभी ये एक्सेप्ट करेगा नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, पहले तो ये बी बाई बी को हम रख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, फिर हम डेटा वन को एन परसेंट से जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं, और इस सबों को हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। रिजल्ट आ गया। अब मैं डेटा वन सिलेक्ट करता हूं तो डेटा वन का रिजल्ट, डेटा टू करता हूं तो डेटा टू का रिजल्ट। तो ये चीज तो हम हिडन कर देंगे बाद में, जैसे इस सबों पे हम मान लीजिए कि हम इसको हाइड कर देते हैं, हाइड हो गया। तो अब यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा उदय और यहां पे डेटा टू डेटा वन। तो इस तरह की चीजें हम अपनी क्या बोलते हैं डैशबोर्ड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं, इस पे आप प्रैक्टिस करें, फिर इससे आगे और एडवांस हम आपको कल डिस्कस करें।
कल सेम टाइम।